हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन क्लास 6 मैथमेटिक्स, जो कि सीबीएसई बेस्ड है, उसी का चैप्टर नंबर 5 डेसिमल की एक्सरसाइज 5.1 हम देख रहे थे। एंड आज देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फाइव है राइट एज फ्रैक्शन इन देयर लोएस्ट टर्म। देखो, पहले हमें ये डेसिमल नंबर गिवन है, इन्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, देन उसके बाद इसे हमें लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो, सबसे पहले हमें गिवन है 0.2। अब 0.2 है, इसका फ्रैक्शन बनाना है, तो फ्रैक्शन बनाने के लिए पॉइंट हटाना होगा। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट, तो क्या लिख देंगे, 10। 1 डिजिट होता है तो 10, 2 डिजिट होगा देन 100, जितना डिजिट होता है उतनी ही क्या लगाते हैं, 0। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 2 एंड 2 5 10, तो हमें क्या मिलेगा, 1/5, दिस इज द लोएस्ट टर्म। क्लियर? सेकेंड वन देखते हैं, सेकेंड है 0.04, तो ऊपर तो मिलेगा 4, नीचे देखो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2, तो हमें 20 यहाँ पर लगाना है। कैंसिल करेंगे, 4 1 4 4 2 8 एंड 4 5 20, 1/25। क्लियर? 4 से कैंसिल आउट कर लिया हमने। थर्ड देखते हैं, 4/ कितना मिलेगा, 1000 मिलेगा। देखो 30 है, तो इसको कैंसिल आउट करते हैं, 4 1 4 4 2 8 एंड 2 5 एंड 0, तो कितना मिला, 250। क्लियर? फोर्थ नंबर देखते हैं, फोर्थ है 75, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो 1 2 3, इसको 25 से कैंसिल कर लेते हैं, 25 3 होता है एंड 25 4 4 100 एंड 0, तो क्या मिलेगा, लोएस्ट टर्म 3/40। क्लियर है? फिफ्थ नंबर देखते हैं, फिफ्थ नंबर क्या है, फिफ्थ नंबर है 305 अपॉन, देखो पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो 40 हम लगाएंगे, इसको 5 से करेंगे, 5 6 30, 5 1 5, 5 2 10, 0 0 एंड 0, तो 61/2000 क्या मिलेगा हमें आंसर, 61/2000। क्लियर है? अब हम देखते हैं, दो और बचे हैं, नंबर 6, थोड़ा सा इसको, चलो नंबर 6 है, 625/ क्या लिखेंगे, 30 लिखनी है क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 25 से कैंसिल कर लेते हैं, 25 2 25 5 125। क्लियर? क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है एंड 25 4 100, अगेन 5 6 5 5 25 5 8 40, तो कितना मिलेगा हमें, 5/8। क्लियर है? सेवन नंबर देखते हैं, 2 4.075 है, मैं पॉइंट को हटा लेती हूँ एंड देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो 1 2 एंड 3 ये हमें मिलने वाला है, इसे हम कैंसिल कर लेते हैं, 5 6 5 2 10 एंड 5 4 5 4 5 8 40, 5 1 5 5 5 25, 4 8 1 5, अगेन 5 से कर लेते हैं, 5 4 20, 5 9 45, 5 6 30 एंड 5 3 15, कितना मिला, 963/40, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई थिंक ये नहीं कटेगा किसी से भी, तो ये क्या हुई, लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन की। तो आई होप क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपको क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, चेंज द फ्रैक्शंस टू डेसिमल। अब देखो, फ्रैक्शन गिवन है, पहले हमें क्या गिवन था, डेसिमल गिवन था, उन्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देन उन्हें भी लोएस्ट टर्म में हमें कन्वर्ट करना था। यहाँ हमें गिवन है फ्रैक्शन, उसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो देखो, या तो आप क्या कर सकते हो, 5 से आप क्या कर सकते हो, 1 को डिवाइड कर सकते हो। देखो 5 से 1 डिवाइड नहीं होता है, तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे देन 0, 5 2 10। क्लियर? तो देखो इसका आंसर कितना मिलेगा हमें, 0.2। या फिर आप क्या कर सकते हो, देखो 1/5 है, अगर आप नीचे वाले डिनोमिनेटर को यदि आप 100 10 1000 10000 ऐसा कुछ बना लेते हैं, देन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो देखो 5 से अगर मैं ऊपर नीचे किससे, 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो क्या फ्रैक्शन बनेगी, 2/10।
अब 10 से डिवाइड करना बहुत इजी होता है, क्या क्या मिलेगा 0.2। देखो एक जीरो है तो एक डिजिट से पहले क्या लगा देंगे 0.2, तो क्या मिल जाएगा 0.2। क्लियर। बी देखते हैं 5/8। अब 5/8 के लिए नीचे क्या बनाना है हमें, या तो 10 तो बनेगा नहीं, 100 या फिर 1000 कुछ भी बनाना है। तो देखो अगर मैम 8 को बनाने के लिए किससे कर सकते हैं, 125 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 5 5 25 2 5 2 10 and 2 12 1 5 5 and 6। ये देखते हैं कितना बनता है, 5 8 5 40 0 20 0 2 and 10, कितना बना 6 to 5/1000। तो क्या आंसर मिल जाएगा, देखो 30 है तो 3 डिजिट से पहले हमें क्या मिलना चाहिए पॉइंट, तो 0.625। क्लियर है। सी हम देखते हैं 3/5, अगेन 5 हमें मिला है तो ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा 6/10, कितना मिलेगा 0.6। क्लियर। डी देख लेते हैं क्या है, 17/40। किससे, देखो 4 5 20 होता है 200, 25 से करेंगे, देखो 25 से मल्टीप्लाई करो इसको, 25 4 कितना होता है 100, तो देखो ये नीचे तो बन जाएगा 1000, फोर टू फाइव अपॉन 1000, तो देखो ये कितना बनेगा 0.425। क्लियर है, 0.425 क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। डी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब चलते हैं ई की तरफ, 5/32। अब देखो 5/32 है, 32 क्या है, किसी से भी मल्टीप्लाई करने पर 10, 100, 1000 नहीं बनता है, तो हम इसे सिंपली क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखो 32 से 5 को हमें डिवाइड करना है, देखो नहीं जाता है, पॉइंट लगाएंगे, हियर विल कम 0, तो 32 1 जा 32 32, 10 में से 2 निकला 8, हियर 4 1, हम यहाँ पर 0 लगाएंगे। 32 को किससे मल्टीप्लाई करें, 180 के समथिंग आ जाए, 5 से करते हैं, 5 से कितना मिलेगा, 5 2 जा 10 1 15 एंड 16, ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ पर 20। तो पॉइंट के बाद आप अगर दो डिजिट तक भी निकालते हो तो दैट इज इनफ, तो ई का जो आंसर है वो आपको कितना मिलेगा 0.15। क्लियर है सभी को। एफ वाला देख लेते हैं, 5 13/64। अब देखो 5 13/64, तो 5 13/64 इसको देखो कैसे करेंगे, 5 + 13/64 हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 5 + आप देखो 64 से 13 को हमें डिवाइड करना है, तो यहाँ पर नहीं होता है, पॉइंट लगा देंगे एंड 0, तो 64 2 जा अगर हम करते हैं तो कितना मिलेगा 8 and 2 128, 2 यहाँ पर लिखेंगे, फिर 0 लगाएंगे, अब 64 से 20 डिवाइड नहीं होता है, अगेन 0 एंड यहाँ पर भी 0, 64 से अब इसको डिवाइड करेंगे, देखो हमें 2 डिजिट तक मिल गया है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 0.20, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 5.20। क्लियर है। अब जी वाला है, जी और देख लेते हैं लास्ट, 4.4 + 31/80। अब ये क्या है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, आपको खुद से सॉल्व करके देखना है, 80 से 31 को आपको डिवाइड करना है, नहीं जाता है पहले पॉइंट लगाएगा, यहाँ पर 0 लगाएगा, देन आप इसे सॉल्व करके देखना, तो आपको जो भी आंसर मिले वो आप मुझे कमेंट में करके जरूर बताएंगे। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, एंड किसी भी तरह का कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।